मैं खालिद खान, सैफ वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शेरकोट, अलविदा जुमे की नमाज के बाद शहर इमाम व शहर इंचार्ज ने की आपस में चर्चा का विषय रहा ईद की नमाज। आपको बता दें कि शेरकोट एसओ मनोज परमार, सीओ सुनीता दहिया पुलिस फोर्स ने किया पैदल गश्त जामा मस्जिद में। अलविदा जुमे की नमाज के बाद शहर इमाम, शहर इंचार्ज व थाना अध्यक्ष, मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी काजी शमीम व पत्रकार मौजूद रहे। शहर इमाम ने शहर इंचार्ज से बात करते हुए बताया कि शासन की गाइडलाइन का पालन करेंगे व हमारा शेरकोट शहर इमाम मौलाना मुफ्ती जकी साहब ने दी जानकारी में बताया कि आगामी ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह में इंशाल्लाह सुबह 8 बजे होगी और जामा मस्जिद में इंशाल्लाह सुबह 8:30 बजे होगी। शेरकोट गंगा जमुना तहजीब की वह मिसाल है जहां हर त्योहार हर धर्म के लोग मिलजुल कर बनाते हैं। यहां कभी किसी के दिल में कोई भेदभाव की भावना नहीं है। यहां हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के गले लगकर दीपावली और ईद की मुबारकबाद देते हैं। दोनों शहर के जिम्मेदार लोगों ने बड़ी शांति और सूझबूझ के साथ नमाज को संपन्न कराया। मीटिंग में मौजूद रहे काजी शमीम गुफरान, राजा मुकीम अहमद, एस भारती, अदनान राइन, सेफ वर्ल्ड न्यूज के उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ खालिद खान, सैफ बाबा मोहम्मद अफसर, मोहम्मद इमरान, मतलूब अहमद आदि मौजूद रहे। कैमरामैन एमडी शादान के साथ खालिद खान की रिपोर्ट। सौगात उनके लिए भी, उनके घरों के अंदर उनके चेहरों पर खुशियों का एक पैगाम लेकर के आए। और इस मौके पर मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे वो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो या वो हमारे शहर के लेवल का प्रशासन हो, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो कुछ हमें सर्विस प्रोवाइड की है और जो कुछ वो कोशिशें कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत खुशी के काबिल हैं। और हम उसको दिल से, सबसे पहले अपने आप को वहां मौजूद करें ताकि सारी आगे की सहूलतें खुद बखुद अपने टाइम पर अंजाम पा सके। और फिर मैं अपील करूंगा कि रास्ते में आने जाने में, वापसी में भीड़ न लगाएं, रास्ते के किनारे होकर के चलें, अपने धर्म की जो शिक्षा है उसका परिचय दें कि हमारा धर्म किसी को परेशान करने की हमें कभी इजाजत नहीं देता है। हम हरेक का ख्याल करें, रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी हुई है, कोई कंकर है, कोई रोड़ा है, कोई पत्थर है, उसको हटा दें। ये भी एक सदका है और ये भी एक नेकी और इबादत है। हर एक के साथ खुशी के साथ पेश आएं, अच्छे अखलाक का बर्ताव करें। मैं फिर एक मरतबा अपने तमाम लोगों को खुशियों के साथ और उम्मीदों के साथ और दुआओं के साथ ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करिए हमारे शहर के लिए, हमारे मुल्क के लिए, वतन के लिए खैर का। हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहें सैफ वर्ल्ड न्यूज से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।